देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीटू कैंपेन चल रहा है। इसी के तहत विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर देश की जाने माने 11 महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। लंबे इंतजार के बाद उनका जवाब इन आरोपों पर आया है। अपने विदेश दौरे से लौटते ही विदेश राज्य मंत्री ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एमजी अकबर का कहना है कि इन आरोपों के जरिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सभी आरोप लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। एमजी अकबर की सफाई के बावजूद आरोप लगाने वाले महिला पत्रकार अपने दावों पर कायम है। विपक्ष ने विदेश राज्य मंत्री एमजी अकबर के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी ट्वीट कर लिखा है, क्या इस पर सफाई देना ही काफी है? 3 तलाक के लिए जेल और इन आरोपों के लिए कुछ भी नहीं। बेटी बचाओ से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार बचाओ। ये मन की बात नहीं बल्कि तन की बात है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के साथ ही मोदी सरकार के सहयोगी नेताओं ने भी अकबर पर लगे आरोपों पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार में ही मंत्री रामदास अठावले ने एमजे अकबर पर लगे आरोपों की जांच की जरूरत बताई है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग ने एक ईमेल आईडी शुरू की है जिस पर मीटू अभियान के तहत महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।